अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कार्लोस उस्मान के सीज़न 3 की किस्त नंबर 1 में आप लोगों को खुश आमदेद कहता हूँ। नाजरीन, इस किस्त के शुरू में उस्मान पाप ग्रिकोर को लेने के लिए निकलता है, इसके साथ ही भी इसके हमराह होते हैं। दूसरी जानब पाप को लेने गवर्नर रोगतोस अपने सिपाहियों को भेज देता है। उस्मान अपने साथियों से कहता है कि अल्लाह के हुक्म से पोप को शाहीनों की तरह झपट कर ले जाएंगे। उस्मान अपने साथी जेर कोताई को आगे भेजता है। जेर कोताई पाप के पास जाकर कहता है कि मुझे बलीजक के गवर्नर ने आपको लेने भेजा है। गवर्नर के साथी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दरिया के दरमियान जाकर पाप ग्रिकोर जेर कोताई पर शक करता है और इसे तुर्क कहकर पानी में फेंक देता है। लेकिन जेर कोताई खुद को आज़ाद करके बाहर निकल आता है। उस्मान अपने साथियों के हमरा पाप का इंतज़ार कर रहा और सुंगर को जेर कोताई की मदद के लिए भेजता है और कहता है कि तुम जानते हो कि तुमने क्या करना है। सुंगर वापस आकर उस्मान को इतला देता है कि पाप और इसके लोगों ने जेर कोताई को पानी में फेंक दिया है और कश्ती हमारी तरफ वापस नहीं आ रही। फिर उस्मान अपने साथियों के हमरा घोड़ों पर सवार होकर कश्ती की तलाश में निकलता है। दूसरी तरफ पाप गवर्नर रोगतास के सिपाहियों के करीब पहुंच जाते हैं। इसी दौरान मिखाइल के लोग गवर्नर के सिपाहियों पर अचानक हमला कर देते हैं। दूसरी जानब उस्मान भी पेशकदमी करते हुए उनके करीब पहुंच जाता है और मिखाइल के आदमियों पर तीरों की बारिश कर देता है। और उस्मान के सारे सिपाही तैरते हुए पाप की कश्ती तक पहुंच जाते हैं और खूब लड़ाई होती है। उस्मान अपनी तदबीरों से सब पर हावी हो जाता है। पाप को कहता है कि तुम अब अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान के हाथों में हो। उस्मान पाप ग्रिकोर को लेकर कई कबीले आ जाता है। दूसरी जानब बलीजक किले का मंजर आता है जहां गवर्नर पाप का इंतज़ार कर रहा होता है। गवर्नर का सिपाही फरीदू आकर इतला देता है कि पाप ग्रिकोस को किसी ने अगवा कर लिया है। वो कतलानर पर शक करता है लेकिन सिपाही कहता है कि पाप को कोई और अगवा करके ले गया है। गवर्नर निकोलक दावत में कोशिश से मालूम करने निकल जाता है। दूसरी तरफ किराए के कातल मिखाइल कोशिश को जाकर अपनी नाकामी की इतला देते हैं और बताते हैं कि हमारे अलावा एथिनिया के लोग भी पाप ग्रिकोस को लेने आए। मिखाइल भी इस खबर की तस्दीक के लिए निकोला के पास जाता है फिर कई कबीले का मंजर सामने आता है जहां पर जेर कोताई कमराल अब्दाल के साथ खुशगपियां लगा रहा होता है। उस्मान के अवताक में मलहून खातून को बाला खातून के उम्मीद से होने की खबर दी जाती है। वो ये खबर पाकर हैरान होती है और परेशानी के आलम में ये सोचती है कि बाला खातून की उम्मीद से होने का उसे क्यों नहीं बताया गया।
कबील किले का मंजर पेश होता है, जिसमें मिखाइल कोसिस गवर्नर रोगतास और निकोला मौजूद होते हैं। कोसिस रोगतास पर तंज करता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा। तीनों बैठ जाते हैं। निकोला कहता है कि पाप ग्रिगोर, अगर हम तीनों में से किसी के पास नहीं है तो क्या तुम जानते हो कि किसके पास है? निकोला कहता है कि फिर वो यकीनन उस्मान के पास है। कबीले का मंजर आता है, जहां पाप ग्रिगोर इस हैरानगी का शिकार होता है कि हमारे आने की इतला उस्मान तक कैसे पहुंची। इतने में उस्मान आता है और पाप ग्रिगोर को कहता है कि आप हमारे मेहमान हो। उस्मान उसे कहता है कि बाजंतीनी बादशाह ने पोप की मदद से ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के इतिहाद के लिए जो अहकाम दिए थे, मैं इन सबसे बाखबर हूँ और पादरियों पर किए गए जुल्म भी जानता हूँ। उस जिंदान में आपके साथ क्या क्या जुल्म हुआ और तुम्हें वहाँ से भगाने के लिए किससे मदद हासिल की, वो सब जानता हूँ। राज खोलोगे तो सब जान लोगे पोप अफंदी, क्योंकि इन तीनों की इनको आज़ादी दिलवाने में उस्मान ही का साथी था।